हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग जानते हैं पी एल आई योजना और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के बारे में। देखेंगे कि आखिर ये आर्टिकल आपका इससे संबंधित क्यों लिखा गया है और इसका एक सामान्य परिचय देखेंगे। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के बारे में जानेंगे और इस उद्योग में मुख्य चुनौतियाँ क्या क्या हैं उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स जगत के घरेलू उद्यमियों को संरक्षण देते हुए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के अंतर्गत तरजीह देना प्रारंभ किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए घोषित प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव योजना में सरकार ने घरेलू कंपनियों को तरजीह देने का निर्णय किया है। आपने देखा है, जब से कोरोना वायरस और फिर उसके बाद लॉकडाउन लगा हुआ है, तब से आपके प्रधानमंत्री यानी कि अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ये भी आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात कर रहे हैं। लोकल पर स्थानीय जो भी मिल रहा है उसे खरीदें। आपने सुना होगा मन की बात में उनकी कि लोकल ही चीजों को खरीदें। इस योजना के अंतर्गत सरकार 40,951 करोड़ रुपए इनिशिएटिव के रूप में प्रदान किए जाएंगे, जिसका आधार वर्ष 2019-20 होगा। योजना में लाभ प्राप्ति का आधार इंक्रीमेंटल निवेश और इंक्रीमेंटल निवेश में जहां मोबाइल फोन बनाने वाली बाहरी कंपनियों को योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु 4 वर्ष में 1,000 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा, वहीं घरेलू मोबाइल निर्माता कंपनी को 4 वर्ष में 200 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। यानी कि घरेलू कंपनियों को तरजीह दी जा रही है, यानी कि उन्हें ज्यादा सहायता दी जा रही है। देख सकते हैं, बाहरी कंपनियों के लिए 1,000 करोड़ सीमा रखी गई, वहीं आपकी भारतीय कंपनियों के लिए, घरेलू कंपनियों के लिए 200 करोड़ रुपए का निवेश करने की सीमा रखी गई है। वहीं इंक्रीमेंटल बिक्री हेतु 4 वर्ष में 200 करोड़ का निवेश करने वाली कंपनी को 5 वर्ष में 5,000 करोड़ रुपए की बिक्री करनी होगी, वहीं 4 वर्ष में 1,000 करोड़ का निवेश करने वाली कंपनी को 5 वर्ष में 25,000 करोड़ का बिक्री करना होगा। जिस कंपनी का मालिक भारत का रहने वाला होगा तथा कंपनी में 50% से अधिक हिस्सेदारी के साथ मालिकाना हक होगा, उसे ही घरेलू कंपनी का दर्जा प्राप्त होगा। यानी कि आपने कोई कंपनी बनाई, उसमें अगर 50% से अधिक हिस्सेदारी आपकी है तो ही आपको भारतीय यानी कि घरेलू कंपनी आपकी कंपनी को समझा जाएगा। ठीक है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की बात करें तो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बेहद मध्यम वर्ग की आबादी और बढ़ती डिस्पोजेबल आय जैसे मैक्रो कारकों द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतों में गिरावट, उच्च अंत प्रौद्योगिकी उपकरणों को अपनाने से इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की खपत में तेजी आ रही है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी संक्रमण जैसे कि 4G या फिर LTE नेटवर्क और IoT के रोल आउट इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की त्वरित अपनाने को चला रहे हैं। इंडिया डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं जैसे पहल ने बाजार में IoT की मांग बढ़ा दी। इसी तरह वॉलेट खिलाड़ियों और भुगतान बैंकों जैसे डिजिटल बैंकिंग क्षेत्र POS BST सक्षम मोबाइल ATM की मांग को बढ़ाएंगे, जो आगे बढ़ते उद्योग को एक प्रेरणा देगा। दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स बाजारों में से एक 2025 तक $400 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।
भारत में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरण उद्योग 2025 तक दुनिया में पांचवा सबसे बड़ा बनने की उम्मीद है इसे। वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी 2012 में 1.3% थी, जो बढ़कर 2017 में आपका 3.0% हो गई। यानी कि 2012 में आपकी कितनी थी? 1.3%, जो 2018 में बढ़कर 3% हो गई। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में भारत के घरेलू सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 हिस्सा है और 13 मिलियन से अधिक लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों के माध्यम में से कार्यरत हैं इस क्षेत्र में। बढ़ती मध्यवर्गीय आबादी, बढ़ती डिस्पोजेबल आय और इलेक्ट्रॉनिक्स की घटती कीमतों के कारण भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की खपत में तेजी आई है। 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के रोल आउट जैसे त्वरित प्रौद्योगिकी संक्रमण इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। भारत बेशक डिजिटल क्रांति से गुजर रहा है, देश में 2013-2018 की भी बड़े पैमाने पर डिजिटल अपनाने का अनुभव किया है। पिछले 5 वर्षों में डिजिटल लेन देन 10 गुना बढ़ गया है। 2025 तक भारत 800 बिलियन डॉलर से 1 ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बन सकता है और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2025 तक समग्र आर्थिक गतिविधि का 18 से 23% हो सकती है। स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति है। रक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के मामले में 49% तक की FDI की अनुमति 16 स्वचालित मार्ग के तहत है और 49% से अधिक सरकार की मंजूरी के माध्यम से। यानी कि ये रक्षा के क्षेत्र में आपकी थोड़ी यहाँ गुंजाइश कम दी गई है ने, क्योंकि आप सोचते हैं कि ये बड़ा मुद्दा रहता है हमारा रक्षा का क्षेत्र हमारे लिए, और सुरक्षा भी हमारे लिए वही है, तो इसलिए FDI के माध्यम से 49% की अनुमति है स्वचालित मार्ग से। लेकिन अगर आप लोग 49% से अधिक अगर इसमें निवेश करना चाहेगा कोई, तो सरकार से मंजूरी लेनी होगी उसे। बात करते हैं इस उद्योग में आखिर चुनौतियां क्या क्या हैं। मुख्य इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सेवा EMS और मूल उपकरण निर्माता। चीजों को सरल बनाने के लिए इन इंडस्ट्री सब वर्टिकल में से हम EMS छोटे से मध्यम आकार के अनुबंध निर्माताओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पहली है ऑपरेटिंग संचालन बाजार। वैश्विक वित्तीय स्पर्धा और नए नवाचारों से कीमतों में गिरावट आ रही है। कंपनियों को लगातार लाभदायक बने रहने के लिए अधिक लागत प्रभावी होना चाहिए। पर्याप्त की कॉम्प्लेक्स ग्लोबल सप्लाई चेन। अधिक से अधिक कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के भीतर रहते हुए आंतरिक और बाहरी संसाधनों को टटोलना है। ट्रेसिबिलिटी और अनुपालन जैसे मुद्दे परिचालन बोझ को बढ़ा रहे हैं। घटकों और उपघटकों के लिए एक यात्रा पर लगना आसान नहीं है, जो अंत अंत उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले 3 या फिर अधिक महाद्वीपों को छूता है। फिर आपका सेवा और वारंटी प्रबंधन। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का लाभ उठाने से आपूर्तिकर्ता गुणवत्ता प्रबंधन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है। एक मजबूत गुणवत्ता और ट्रस्टेबिलिटी सिस्टम होने से वारंटी, रिजर्व और पोस्ट प्रोडक्शन सर्विस घंटों पर सीधा असर पड़ता है। पर्याप्त का लघु उत्पाद जीवन शैली। जल्दी से बदलते उपभोक्ता स्वाद और वरीयता के साथ EMS कंपनियों और अनुबंध निर्माताओं को प्रभावी नए उत्पाद परिचय प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। बिक्री विनिर्माण और इंजीनियरिंग के बीच बंद लूप संचार उत्पाद लॉन्च समय मात्रा और गुणवत्ता लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। पर्याप्त की अनिश्चित मांग। अलग अलग आर्थिक अस्थिरता
और चक्रीय मांग के कारण उत्पादन में उतार चढ़ाव होता है। अधिक दानेदार स्तर पर उपभोक्ता वरीयता किसी व्यक्तिगत उत्पाद या फिर कंपनी की मांग में वृद्धि के कारण बन सकती है। मांग के साथ इन्वेंट्री को संरेखित रखने के लिए कुशल दुबली क्षमताएं होनी चाहिए। सेमीकंडक्टर की कमी। आज भी भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की बेहद पैमाने पर, यानी कि बड़े पैमाने पर कमाने पर है। तो ये आपका था PLI योजना, एम इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के बारे में आर्टिकल, ठीक है।